तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार प्रदर्शन। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा कि पहला जो हमारे चैनल का ड्राइविंग पार्ट है ये, तो इसमें हम लोग आपको बेसिक चीज दिखाएंगे और गाड़ी को कैसे ऑपरेट करते हैं फर्स्ट गियर में। जैसे अगर कोई जो नया बंदा अगर गाड़ी सीखना चाहते हैं तो कैसे कैसे उनको सीखना है, क्या क्या करना है, तो उसके बारे में बताते हैं। और क्या मेन चीज है, उनको क्या चीज दिमाग में रख के गाड़ी को चलाना है, वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। हाँ, तो सबसे पहले अगर चलते हैं तो हम लोग पहले आपको दिखा देते हैं क्या क्या होता है। तो फर्स्टली जो है, आप यहाँ पर एंटर करते ही आपको ये दिखेगा, आपको पहला इंटीरियर। तो इंटीरियर में क्या हम लोग आपको बता देते हैं, ये हैंड ब्रेक है, ठीक है, जो कि गाड़ी जब खड़ी रहती है जिसको लगा के रखना चाहिए। ये गियर है जो कि 5 गियर का है, और जो आप जैसे कि यहाँ पास 5 गियर में क्या क्या रहता है, तो ये देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट गियर है, ये दो लिखा हुआ है, 2 गियर है, यहाँ पास 3 लिखा हुआ है, तीसरा गियर है, ये 4 लिखा है, चौथा गियर है, ये 5 लिखा है, पांचवा गियर। जितना लिखा रहेगा उतना गियर है, अगर 6th रहेगा तो यहाँ 6th गियर रहता है रिवर्स का, फिर कहीं और कंपनी देता है। और ये जो R लिखा है उससे क्या मतलब है कि रिवर्स है। तो ये गियर हो गया, और ये आपको स्टीयरिंग मिलता है जो कि मारुति में डी कट स्टीयरिंग मिलता है। बाकी अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो उसमें अगर गोल स्टीयरिंग है तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी स्टीयरिंग से गाड़ी चल सकता है, ठीक है। और अगर इधर पेडल की बात करें तो वो डेड पेडल है, नए सीखने वाले बंदे के लिए वो किसी भी काम का नहीं है। और बाकी ए बी सी पेडल है, ए से एक्सेलरेटर, बी से ब्रेक और सी से क्लच, तो ये याद रखिएगा। तो क्लच का सबसे मेन मुख्य रहता है, एक्सेलरेटर का भी रहता है और ब्रेक का भी रहता है। तो जब ऑपरेट करेंगे तो हम लोग दिखाएंगे आपको क्या क्या मुख्य मतलब उसका जो यूज रहता है। तो जैसे कि कोई भी अगर गाड़ी सीख रहा होता है बंदा, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आप लोगों को रखना चाहिए कि कोई खाली मैदान या खाली रोड आप लोग देख लीजिए, और रोड जो है पूरा खाली है। और कोई भी गाड़ी अगर कोई भी आदमी फर्स्ट गाड़ी चला रहा होता है तो अंडर 4 मीटर ही गाड़ी चला रहा होता है, बहुत कम लोग रहते हैं जो 4 मीटर के ऊपर के गाड़ी को ड्राइव करते हैं, मतलब सीखते हैं उसमें। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी 4 मीटर के अंदर ही गाड़ी सीखा, मतलब ब्रेजा से ही मैंने सीखा है, पुरानी जो वीडियो आई थी उसी से सीखा है। तो अभी जो है सबसे पहले बेसिक चीज़ से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भैया अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और चाबी उनके हाथ में है, तो गाड़ी का चाबी हाथ ही में रहेगा, पैर वैर में नहीं रहेगा। और बाकी जो है यहाँ पास पैडल है, उसको पैर नहीं रखे अभी, तो चाबी भैया बताएंगे। सबसे पहले जब गाड़ी की चाबी लगा रहे हैं ना, सबसे पहले चाबी इसको लगाने कैसे सीधा अंदर है ना, उसका चाबी घुमाने से पहले आपको क्या करना है, पहले पूरा क्लच दबा लीजिए और ब्रेक लगा लीजिए गाड़ी में, प्लस और न्यूट्रल रहना जरूरी है गाड़ी, और हैंड ब्रेक भी, हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक लगा दिए तो हैंड ब्रेक का जरूरत नहीं है, बाकी हैंड ब्रेक हटा सकते हैं, न्यूट्रल जरूरी है, बाकी न्यूट्रल जरूरी है। फिर चाबी है, गाड़ी को 2 बार स्टार्ट होगी पहले, उसके बाद गाड़ी ऑन नहीं होगा, 3री बार है आपको पूरा सेल्फ लेना पड़ेगा घुमा के, फिर गाड़ी चालू हो जाएगी। देख सकते हैं गाड़ी चालू हो जाएगी, आरपीएम से पता चल रहा है, और यहाँ ब्रेक भी छोड़ना नहीं, क्लच छोड़ना गाड़ी चालू करना, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी जो है भाई यहाँ बताएंगे। हाँ, तो जैसे कि आप सबसे पहले आपको क्या करना है, गियर लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए 1 इस साइड दिखाता है, जैसे कि आपने देखा हुआ यहाँ 1 इस तरफ है, बीच में नहीं है, तो हमेशा न्यूट्रल जो रहते हैं अभी बीच में, जब ये पॉइंट है तो 1 लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर करना है गियर को, फिर ऊपर रखना है, तो फर्स्ट गियर लग जाएगा। फिर आप अपना इसको हैंड ब्रेक को हटाना है, और जैसे अभी आप पेडल देख रहे थे, पेडल कैसे छोड़ना है, पहले क्या करना है, धीरे से ब्रेक छोड़ दीजिएगा, अगर बराबर रोड में खड़े हो तो ब्रेक छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, हल्का हल्का क्लच छोड़ना है और एक्सीलेटर लेना है, तो उससे क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो देख सकते हैं गाड़ी अभी जैसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ी तो मैं आपको आगे नहीं बढ़ा, तो पहले आपको यहाँ का समझा देता हूँ क्या करना है। गाड़ी न्यूट्रल में करते हैं, पहले क्लच दबाए रखेंगे, ब्रेक लगाएंगे, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वो क्या करना है, हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे, फिर हल्का हल्का इसको एक्सीलेटर लेंगे, पीछे से ब्रेक छोड़कर फिर एक्सीलेटर लेंगे, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो फर्स्ट गियर में अगर आप डीजल चला रहे हैं, पेट्रोल चला रहे हैं, अगर छोटी सीसी का इंजन चला रहे हैं तो आपको एक्सीलेटर लेना पड़ेगा। ज्यादा सीसी का इंजन है, बड़ा इंजन है, तो आपको क्या सिर्फ क्लच छोड़ेंगे ना तो गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी अपने से। और जैसे आप गाड़ी चलाएंगे ना तो आप किसी एक एक्सपीरियंस वाले को अपने साथ बैठा लीजिए, ताकि वो भी आपको कुछ बता सके, पैसेंजर साइड में आप बैठा लीजिए किसी को, ताकि वो बताते रहेगा। तो अब जो है हम लोग इस गाड़ी को चला के दिखाने वाले कैसे, तो अभी जो है मैं पैसेंजर साइड आ गया हूँ। तो अभी पैसेंजर साइड से आप लोग देख सकते हैं ये स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग अभी जो गाड़ी का जो क्या बोलते हैं गियर है वो न्यूट्रल में, और हैंड ब्रेक लगा हुआ है, पूरा ब्रेक लगा के रखा हूँ मैं गाड़ी में। तो अभी जो है भाई वहाँ पर बताने वाले कैसे चलाएंगे, और इधर गियर को पहले अभी जो है मैं हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से हैंड ब्रेक हटा लेना है, उसके बाद क्या है न्यूट्रल है मैं गाड़ी, क्लच दबाया हूँ, ब्रेक दबाए रखना है, और उसके बाद क्या करना है आपको पहले से फर्स्ट गियर लगाना है गाड़ी का। फर्स्ट गियर लग गया, अपना हाथ अपना स्टीयरिंग में ले जाए आप दोनों हाथ, उसके बाद क्या करिए ब्रेक छोड़िए। फर्स्ट अगर सीख रहे हैं तो आप लोग जो ये वाला ग्रैब है वहां, आपको हैंडल हमेशा ऐसे पकड़ना है गाड़ी चलाते समय अच्छे से, और क्या करना को हल्का हल्का क्लच छोड़ना और हल्का एक्सीलेटर लेना। अगर आपको छोटा इंजन का गाड़ी है तो, जैसे बड़ा इंजन है तो सिर्फ क्लच छोड़ना गाड़ी उठने लगेगी। तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी अभी चल रहा है तो बस आपको क्या करना है, बस क्लच छोड़ देना, उसके बाद थोड़ा सा आपको चलाना है, फिर ऐसे धीरे धीरे आप चलाना सीखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो बढ़ने दीजिए गाड़ी, चलने दीजिए, जैसे सीधा रोड में चल रहे हैं तो अभी पहले गियर में है,
गियर आपको चेंज नहीं करना है। और अगर आप नए सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी फर्स्ट गियर से दूसरा गियर मत डालिए, सिर्फ फर्स्ट गियर में सीखिए। फर्स्ट गियर में पहले आप गाड़ी को क्लच से उठाना सीखिए, जैसे आप क्लच से उठाना सीख जाएंगे उस पर फिर आपको क्या करना है, गाड़ी को फिर से ब्रेक लगाना है। इसी अब मैं थोड़ा सा आगे तक गाड़ी को चला लिया हूं, तब मैं क्या करूंगा थोड़ा सा गाड़ी को ऐसे करके ब्रेक लगा कर रोक दूंगा गाड़ी को। आपको फिर यही रोकना है गाड़ी को, उसके बाद फिर से आपको गाड़ी को उठाना है। जैसे गाड़ी को मैं रोक दिया हूँ, पूरा ब्रेक दबा के क्लच दबाना है। जैसे क्या गाड़ी को अगर आपको रोकना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले पूरा क्लच दबाइए फिर ब्रेक दबाइए। ये नहीं कि ब्रेक दबाए फिर क्लच दबाए, वैसे नहीं करना है, पहले पूरा क्लच दबाना है फिर ब्रेक दबाना है। तो अब अगर आपको फिर से गाड़ी उठाने का प्रैक्टिस करिए इसको बार बार, जैसे कि देखिए मैं एक बार में उठा ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको हर सिचुएशन में आपको गाड़ी को ना उठा लेना एक बार में, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। और ब्रेक दबा के आप क्लच सोचेंगे कि ब्रेक दबाऊंगा मैं गाड़ी बंद हो जाएगा, तो वैसे गाड़ी जो है मतलब बुझने जैसा होगा, तो वैसे आपको नहीं करना है। गाड़ी क्लच दबा के ब्रेक, गाड़ी अगर आपको रोकना है सबसे पहले क्लच दबाइए उसके बाद फिर आप ब्रेक लगाइए, या दोनों एक साथ दबा सकते हैं, दोनों एक साथ दबा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इमरजेंसी में अगर पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, लेकिन मेनली जो है पहले आपको क्लच दबाना है फिर ब्रेक लेना है। आप लोग देख सकते हैं ये खाली मैदान है, तो यहाँ पास एक 800 वाले भाई भी जो है सीखने हैं गाड़ी को, और हम लोग भी सीख रहे हैं। देख सकते हैं ये नए नए हैं सीख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग भी सिखा रहे हैं आप लोगों को, तो उनको नहीं, वो अपना अपना सीख, वो अपना रहे सीख रहे हैं। भाई वो जो है अभी बड़े मुश्किल से मोड़ के गए अंकल, और हम लोग जो है अभी उन्हीं के चलते रुके हुए हैं, नहीं तो आगे का बताते। वो जो है सीख रहे हैं अभी, और उनके तरफ मैं कैमरा किया तो वो सोचने लगे मेरा वीडियो क्यों बनाया। चलिए चलिए अब आपको दिखा दे कि अब फर्स्ट गियर में ऐसा करना को सब बता दे, अब सेकंड गियर का क्या प्रोसीजर है वो आपको दिखाते हैं। तो वही गाड़ी को उठाने सबसे पहले क्लच रखें, ब्रेक रखें, गाड़ी चालू कर ले, उसके बाद गियर लगाएं, हैंड ब्रेक हटा ले अपने गाड़ी से, उसके बाद क्या करना है। हाँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ब्रेक से पहले हटाना है, फिर हल्का हल्का क्लच छोड़ना। देखिए मैं गाड़ी हल्का क्लच छोड़ा, गाड़ी उठने लगी अपने से, देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी उठने लगी क्लच छोड़ा हूँ। तो अब वैसे क्लच छोड़ना, फिर हल्का हल्का एक्सेलरेटर लेना है, जैसे गाड़ी देखेंगे थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ गाड़ी चलने लगी, उसको क्या करना है पूरा क्लच दबाना है, फिर इसको आपको दूसरा गियर लगाना है, और फिर क्लच छोड़ना है, एक्सेलरेटर मत ऐसे बस क्लच छोड़िए, और फिर हल्का हल्का छोड़ना है, एक बार में नहीं छोड़ना है, एकदम झटके से नहीं छोड़ना है। क्या करना है हल्का हल्का क्लच छोड़ना है और फिर एक्सेलरेटर लेना है, मतलब जैसे जैसे आप क्लच छोड़े ना वैसे वैसे आपको एक्सेलरेटर को दबाना है, तो उससे क्या है गाड़ी जो है वो आगे चलने लगी अपने से। और गियर कैसे शिफ्ट करना है वो जैसे अभी आपको दिखाया, सिर्फ क्लच को कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है क्लच के एक्सीलेटर के साथ, लेकिन वही आपको गियर किस तरीके से शिफ्ट करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ बस मोड़ है तो मोड़ लेते हैं, सबसे पहले इसको मोड़ लेते हैं, आपको सब एक एक करके बताएंगे कैसे करना है। तो अभी हर ड्राइविंग पार्ट में आपको हर एक एक चीज जो है आपको जैसे इम्प्रूव करना है, तो कैसे कैसे करना है आप गाड़ी अगर नए चला रहे हैं तो सबसे पहले तो अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो विदाउट परमिशन मम्मी पापा के आप अपने गाड़ी को मत ले जाइएगा, कहीं भी किसी को लेकर जाइएगा साथ में जो आपके साथ में बैठे सिखाने समय। हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैसे गियर है, तो गियर कैसे शिफ्ट करना है जैसे गाड़ी चलाते समय, तो जैसे कि ऐसे करके हम फर्स्ट गियर लगाते हैं, पहले लेफ्ट करना है फिर सामने करना है, तो फर्स्ट गियर लग गया है। सेकंड कैसे लगाना है आपको, जैसे कि पूरा क्लच दबा लीजिएगा, पूरा क्लच दबाओ, बिना क्लच दबाए अगर आप गियर लगाएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगा। क्लच दबाना आपका सबसे, पूरा क्लच दबाइए इधर जो है पूरा लेफ्ट साइड, उसको फिर से नीचे करिए आप गियर को, फिर लेफ्ट साइड करिए फिर पीछे करिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है ये न्यूट्रल जो रहता है हमेशा बीच में रहता है। फर्स्ट गियर लगाना है तो आपको सबसे पहले उसको लेफ्ट करना है फिर ऊपर करना है, तो फर्स्ट लगेगा फिर आप उसको वापस गियर को जैसे पीछे करेंगे तो ऑटोमेटिक वो न्यूट्रल में आ जाएगा, फिर आपको लेफ्ट करना है फिर सेकंड करना है, तो ऐसे में सेकंड गियर लगेगा। फिर थर्ड के लिए वैसे ही करना है, ऊपर इसको करेंगे तो वापस ही देखेंगे बीच में आ गया, फिर उसको सीधा करेंगे तो थर्ड गियर लग जाएगा, ऐसे फोर्थ लगता है, ऐसे फिफ्थ लगता है। तो चलिए आपको फिर से दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको फर्स्ट गियर लगाता हूँ फिर सेकंड लगा के दिखाता हूँ। तो पहले इसको पहले लेफ्ट करेंगे सबसे पहले, उसको इसको ऊपर करेंगे, तो ये लग गया अपना फर्स्ट गियर। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप गाड़ी चलाएंगे, देख सकते हैं सिर्फ हल्का हल्का क्लच छोड़ रहा हूँ, हल्का हल्का एक्सीलरेटर ले रहा हूँ, तो इससे गाड़ी उठ गई। जैसे फिर पूरा यहाँ पास चढ़ाना है इसलिए एक्सीलरेटर लेना पड़ रहा है। हाँ जैसे पूरा गाड़ी उठ गया ना क्लच से फर्स्ट गियर से, तो उसके बाद आपको एक्सीलरेटर लेना है, थोड़ा सा एक्सीलरेटर में आया थोड़ा सा गाड़ी आगे चला 2000 तक या 1500 तक गया, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, फर्स्ट गियर में था गाड़ी ऐसे करके गाड़ी चल रही थी देख सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है क्लच दबाना है और फिर इसको जैसे पीछे आया तो न्यूट्रल लगा, फिर लेफ्ट किए फिर उसको पीछे कर दिया गियर को, जिससे क्या हो गया वो अपना यहाँ पे सेकंड गियर लग गया। तो बस ऐसे आपको चलाना है फर्स्ट गियर सेकंड गियर में। हाँ तो आपको सबसे जैसे कि आप गाड़ी चलाना है तो वो सब तो क्लच ब्रेक का सब हो गया, स्टेरिंग कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए आपको बेसिक क्या, जैसे कि आपको स्टेरिंग यहाँ पे पकड़ना है गाड़ी चलाते समय, ये स्टेरिंग कैसे पकड़िए, गियर वगैरह चेंज करना है तो ऐसे कर लीजिए पूरा ऑपरेट करिए अपने हिसाब से, पूरा गाड़ी सेट कर लीजिए, और उसके बाद जैसे कि यहाँ गियर लगाना है ऐसे क्लच दबेगा सब हो जाएगा, स्टेरिंग आपको हमेशा ऐसे पकड़ के गाड़ी चलाना है। जब आपको आदत हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से ऐसे पकड़िए ऐसे पकड़िए ऐसे पकड़िए जैसा हो सके, जैसा आपको कंफर्ट हो जाए, लेकिन जब सीख रहे हो तो आपको एकदम ऐसे ही पकड़ना है, ताकि क्या ना ऐसे में ना थोड़ा सा आप एक्टिव रहते हैं गाड़ी चलाते समय।
है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि स्टेयरिंग को आप जैसे कि ना सबसे पहले अगर सीट पर बैठे हैं ड्राइविंग सीट पर, आपको चेक करना है कि आपका गाड़ी का स्टेयरिंग कितना घूमता है, पूरा गाड़ी कटेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेजा में ये जो है ये एक राउंड ले लिया है, अभी भी पूरा टायर नहीं कटा, हाफ और जाएगा, देख सकते हैं हाफ और गया, इतना हाफ आ गया, इससे ज़्यादा गाड़ी का स्टेयरिंग नहीं कटता है। तो फिर जैसे कि आप सीधा करना टायर, तो देख सकते हैं ये अपना वापस से एकदम स्ट्रेट हो गया टायर, है ना। और जैसे वैसे लेफ्ट साइड के लिए भी देख सकते हैं ये पूरा ये एक राउंड हो गया, उसके बाद ये हाफ आके यहाँ पे अटक जाता है स्टेयरिंग, तो वही सीधा करना है तो ये अपना यहाँ पर वापस सीधा हो गया डेढ़ राउंड में। ये आप अपने गाड़ी में अपने हिसाब से करके देख सकते हैं कि कितना में आपका गाड़ी जो है स्टेयरिंग पूरा टायर कट जा रहा है। तो इसको जो है आप गाड़ी सीखने से पहले एक बार आप चेक कर लें, उसके बाद गाड़ी चलाना शुरू करें और दो तीन बार इसको स्टीयरिंग को मोड़ के प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपको पता चले कि आपका गाड़ी का स्टीयरिंग जा किधर रहा है। क्योंकि आप सीखते समय जैसे ऐसे वाले रोड में सीखेंगे तो आपको गाड़ी मोड़ना भी रहता है, तो उसमें तो खैर जो आपके खाली ग्राउंड में रहेगा तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ जो बैठे रहेंगे वो भी आपको बताएंगे कैसे करना क्या करना, बाकी आप इससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जब तक आप खुद चलाएंगे नहीं तब तक आप गाड़ी कभी नहीं सीख सकते। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकंड पार्ट इसका जो है जल्दी चैनल में आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको पता चले सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है, और हम लोग ड्राइविंग पार्ट्स इसी तरह से लाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।